या सर ये राइट एट्रियम की जो ग्रॉस के जो इंटरनल फीचर्स हैं ना सर, ये बता दें सर। और राइट एट्रियम में ऊपर से ड्रेन करिए सुपीरियर वेना केवा, यस सर, नीचे से आ रही है इंफीरियर वेना केवा डायफ्राम को पियर्स करके, यस सर, T8 के लेवल पे। अच्छा, यहाँ से दोनों ड्रेन करती हैं, आगे आती हैं राइट एट्रियम में। यस सर, राइट एट्रियम के अब एक्सटर्नली फीचर्स हैं, ये है कि एक्सटर्नल फीचर्स सर, ये मार्क सर से अंदर यहाँ पे आपका ओरिकल पड़ा हुआ है जो ऊपर, ये जो वाइटिश एरिया सारा ये ओरिकल ही है ना सर? ओरिकल है, यस। इसके अलावा यहाँ पे जो ये ग्रूव है ये सल्कस टर्मिनालिस है, सल्कस टर्मिनालिस, टर्मिनालिस, अच्छा ठीक है। और इसके जो पैरेलल इंफीरियर अंदर ये बनता है, अच्छा, ये जिसके भी अभी उंगली फेर रहे हैं ये वाला, ये क्रिस्टा टर्मिनालिस, क्रिस्टा टर्मिनालिस। और सर इसका साथ आपने बताया था क्रिस्टा टर्मिनालिस के साथ सर्कस टर्मिनालिस, ये इसका आउटर पोर्शन सर्कस टर्मिनालिस है, और ये जो अंदर वाला ये क्रिस्टा टर्मिनालिस है, और ये जो बनता है पेक्टिनेट मसल है, रफंड एरिया जो है। सर एक मिनट, ये जो सारा एरिया ये कौन सा पेक्टिनेट मसल है और क्रिस्टा टर्मिनालिस कौन सा है ये और सर्कस टर्मिनालिस? इसका यार आउटसाइड इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तकरीबन जो इसके आउटसाइड ग्रूव बनेगा ना यूं का, यस वो होगा सर्कस। अच्छा समझ गए, ये तीन टर्म ये इसके पैरेलल आउटसाइड पे, इसमें नहीं बना हुआ नजर आ रहा है। नहीं वैसे वो किधर बना होता, सुपीरियर वेना केवा के थोड़ा नीचे बाहर की तरफ, वो टेक्निकली इधर करके आना चाहिए, उससे पीएम पे वेना के यूं करके। अच्छा इधर बना होगा, समझ गया, वो इधर बना हुआ नहीं है, ठीक है। इसके आगे ये बना हुआ है, जैसे आपने पेक्टिनेट बता दिया। और सर आपने और टर्म्स भी, फोरा विलेलस। अच्छा यहाँ पे अंदर जो है दोनों एंट्री और वेंट्रिकल्स के दौरान ये जो नज़र आ रहा है ये मोस्ट लाइकली फॉसा वैलिस है, इसके ऊपर ये लिम्बस है, लिम्बस जंक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेप्टम के दौरान। अच्छा सर एक मिनट, ये जो लाइन ये तो बनी हुई है लाइन, ये जो रिज है ये लिम्बस है, ये सर सर्कल कर दे एरिया को ना, वो अच्छा ये जो ब्लैकिश एरिया ये कौन सा एरिया लिम्बस है, और इसके नीचे ये फोसा वैलिस, वो जो आपने बाह में बनाया वो फोसा है, जो शॉर्ट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, फोसा है ऊपर लिम्बस है। अच्छा ये जंक्शन होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेप्टम का, प्राइमरी सेप्टम और सेकेंडरी सेप्टम वो कौन सा सेप्टम है, प्राइमरी एम्ब्रियोलॉजिकली डेरिवेशन। अच्छा एम्ब्रियोलॉजिकली जो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट करता है वो कनेक्ट करते हैं, और बेसिकली फीटल लाइफ में इस फोसा की जगह फोरामेन होता है, इसे फोरामेन ओवेल कहते हैं। एडल्ट लाइफ में अगर परसिस्ट कर जाए उसे पेटेंट फोरामेन ओवेल कह देते हैं। सही है सर, ठीक है। अच्छा दोनों एट्रिया के दरमियान इसकी जो पोस्टीरियर पीछे वाली वॉल है, पोस्टीरियर वॉल, वो बना रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, यस ठीक है। आगे से कनेक्ट हो रहा है राइट वेंट्रिकल से वाया द वो एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, समझ गए। और ये जो जिसके अंदर पड़े ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये जिस पे आपकी उंगली फिरी, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, समझ गए। दूसरा ये जो एक रिज यहाँ पे नजर आ रहा है, यस सर ये दिख रहा है बिल्कुल, ये जो रिज है ये बेसिकली रेमिनेंट है उसका इंफीरियर वेना केवा के फीटल लाइफ में एक वाल्व होता है, वो वाल्व का रिमेनिंग पार्ट है, उसका रेमिनेंट ये है, समझ गया। नहीं तो ये वाला फिर क्या, ये यही रिज, यही है ये जो उभरी हुई चीज नहीं है उसके नीचे, और सर इसके अंदर जो और सर आपने फोरा विलेस बोला था वो क्या था सर? ये इन्होंने बनाया हुआ है क्या सर? फोसा वैलिस, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट फोसा लग रहा है, फोसा वैलिस ये होगा ना, ये ज़्यादा इन्होंने बनाया हुआ है ये सर, जिसमें आपका ये द्वारा क्लियर कर, ये फिर इन्होंने रिज बनाया है और ये फोसा वैलिस बनाया हुआ है रिज। और सर ये जो लाइन लगाई है ये रिज है, ऊपर वाला रेज है, नीचे फोसा वैलिस है। फोसा वैलिस का थोड़ा बता दें सर कार्डली, वही है फोसा वैलिस जिसकी अभी बात की, रेमिनेंट ऑफ वॉल जो था इंफीरियर, और जो इसका इंफीरियर वेना केवा का रेज है ये बिल्कुल हल्का सा ये लग रहा है, ये वाला बहुत लाइट सा। सर ये तीसरी चीज भी क्या है? ये वो रेज है, वो जो रेमिनेंट वाल्व होता है ना उसका इंफीरियर वेना केवा का। अच्छा ये पहला तो रेज हो गया, और दूसरी जो लाइन है वो ये फोसा वैलिस और ये लिम्बस। अच्छा पहली लाइन लिम्बस, दरमियान वाला फोसा वैलिस, और जो आगे वाली तीसरी लाइन है वो रेमिनेंट रिज है, और इंफीरियर वेना, और तकरीबन इधर करके ओपन करते हैं कोरोनरी साइनस, इधर कोरोनरी साइनस ओपन हो जाएगा जिससे सिर्फ हार्ट की अपनी वीनस ड्रेनेज आ रही है, वीनस ड्रेनेज आएगी सर। और सर इसके अलावा राइट एट्रियम की ग्रॉस में जो यहाँ से एविडेंट फीचर्स हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और सर आपने बताया था कोरोनरी साइनस रन इन
इंटर आर्टरी वेंट्रिकुलर ग्रूव एंड आर्टरी वेंट्रिकुलर कोरोनरी साइनस जो है ना वो इटसेल्फ रन करता है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में. क्या बोला सर? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में कोरोनरी साइनस रन करता है. और दूसरा आपने बताया था इंटर एट्रियल ग्रूव. इंटर एट्रियल ग्रूव तो आपको नजर आता है ना, उसमें भी रन करता है? नहीं, उसमें नहीं कुछ रन करता, सिर्फ एट्रियो वेंट्रिकुलर या एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करता है या इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव में रन करता है. इंटर वेंट्रिकुलर ये वाली रन कर रही है एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में राइट कॉर्नरी आर्टरी. यहाँ पे लेफ्ट रन कर रही है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में. और ये जो है इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव में फिर उसकी ब्रांचेस फर्दर रन कर रही है. ये लेफ्ट इंटर एट्रियोकुलर ग्रूव, इंटर एट्रियल नहीं एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो एट्रियो वेंट्रिकुलर और इंटर वेंट्रिकुलर, इन दोनों के अंदर कोरोनरी वेस्कुलेचर रन करता है. जो इंटर वेंट्रिकुलर उसमें टर्मिनल ब्रांचेस रन करती हैं, जिस तरह ये आपकी होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये इस साइड पे आती है, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ये लेफ्ट पोस्टीरियर से. जब आर्टरीज पढ़ोगे तब डिटेल में. और सर कोरोनरी वेस्कुलेचर से मुराद वेंस एंड आर्टरीज है ना? वेंस एंड आर्टरीज. और सर पोस्टीरियर वॉल जो थी आपने कहा था राइट एट्रियम की, वो इंटर एट्रियल सेप्टम है. इंटर एट्रियल सेप्टम ये कौन सा? अच्छा ये इंटर एट्रियल सेप्टम हो गया. और सर फोरमेन ओवेल. अच्छा फोरमेन ओवेल ये वही है ना जो फोसा वैलेस है? फोसा वैलेस है. और सर इसके अलावा राइट एट्रियम में कोई ग्रॉस रिलेटेड जो इसके ऊपर मार्ग आ जाए, मतलब नहीं मार्ग तो यही चीजें आ सकती है, ओरिकल आ सकती है, मस्कुलर पेक्टिना आ सकते हैं, क्रिस्टा टर्मिनलिस आ सकते हैं. क्रिस्टा टर्मिनलिस आ सकते हैं. ठीक है सर, थैंक यू सर. असल क्रिस्टा टर्मिनलिस ये इस तरह होगा ना, यूं करके ना, अगर आप वो देखो ना इधर आओ लेटर्स में,